साइफर केस में मजीद पेशरफ्त। मरकजी गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। आजम खान ने बयान में मौकफ इख्तियार किया कि साइफर से मुतल्लिक स्पीकर ने रोलिंग चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर दी। साइफर जिस चैनल से आता है इसी चैनल से वापस जाता है। 8 मार्च को साइफर से मुतल्लिक फॉरेन सेक्रेटरी का टेलीफोन आया। टेलीफोन पर साइफर की कॉपी वजीर आजम ऑफिस को भिजवाने से मुतल्लिक बताया गया। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा 9 मार्च को साइफर की कॉपी वजीर आजम के हवाले करें। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मार्च को साइफर पर राय दी। शाह महमूद कुरैशी साइफर मामले पर चेयरमैन पीटीआई को पहले ही आगाह कर चुके थे। आजम खान के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने साइफर मामले पर इदारों के खिलाफ मौसर बयानियां बनाने को कहा। इधर आजम खान के बाद फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद भी इमरान खान के खिलाफ गवाह बन गए। एबीएन न्यूज ने असद मजीद के 161 का बयान भी हासिल कर लिया। असद मजीद ने अपने बयान में मौकफ इख्तियार किया कि चेयरमैन पीटीआई के साइफर मामले ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, जिसका हमारे सफारतकार और उनके मुस्तकबिल की सफारतकारी की साख पर भी असर पड़ा है। 7 मार्च से लेकर आज तक साबिक वजीर आजम से ना कभी मिला ना ही बिलवास्ता या बिलावास्ता बातचीत हुई। असद मजीद के मुताबिक ना ही उन्होंने कभी वजीर आजम के मामले खसूसी से कोई मुलाकात की या बात की। असद मजीद के मुताबिक उन्होंने 7 मार्च को असिस्टेंट सेक्रेटरी US डिपार्टमेंट डोनाल्ड लू को मुदऊ किया, जबकि पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन में मुलाकात पहले से जोराने पर तय थी।